टॉप 6 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 17,000 जहाँ पे आपको 17,000 के अंदर एमोलेड कर्व डिस्प्ले मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट भी दिया गया है। सिर्फ दोस्तों यही नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिलेगा और भी काफी अच्छे अच्छे फीचर मिलने वाला है इन सभी डिवाइस पे। तो दोस्तों डिवाइस कौन कौन सा है, अदर फीचर क्या क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये डिवाइस है लाभा की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस लाभा ब्लेज का 5G जो एक काफी शानदार सा डिवाइस है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, उसके साथ साथ रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, बैक आपको ग्लास के मिलने वाला है। उसके साथ साथ डिवाइस की वेट 189 ग्राम है, तो ग्लास बैक होने की वजह से थोड़ा सा हैवी है। डिवाइस काफी स्लिम है, इन हैंड फील आपको एकदम प्रीमियम देगा। तो दोस्तों उसके बाद जो इसके हाईलाइटेड फीचर है वो कर्व डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड कर्व डिस्प्ले। हाँ दोस्तों कर्व डिस्प्ले मिलने वाला है जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। और ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 800 नीट पीक ब्राइटनेस मिलेगा जो आउटडोर पे आपको काफी मदद करेगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए, प्राइस पॉइंट की सबसे काफी शानदार सा डिस्प्ले है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले नहीं, उसके साथ साथ कैमरा भी काफी तगड़े मिलने वाला है। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है जिसे आप 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है जो इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छी बात है। बहुत सारे एक्सपेंसिव डिवाइस में भी आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता जो इस डिवाइस पे दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिलेगा। और भी बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा की क्वालिटी ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट है। तो मुझे पर्सनली प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले के साथ साथ कैमरा भी काफी अच्छा लगा। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों एक 5G डिवाइस है जो इंडिया की जितने सारे 5G बैंड है सबको सपोर्ट करता है। रैम रोम की बात करें तो यहाँ पे आपको 8GB रैम 128GB रोम मिलने वाला है। परफॉर्मेंस वाइज भी काफी शानदार सा डिवाइस है, थोड़ी बहुत गेमिंग भी आप इस डिवाइस पे कर सकते हो। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है विथ 33W फास्ट चार्जिंग जिसकी मदद से 50% चार्ज सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगा। सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 पे और बहुत ही जल्द यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 14 के अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब बात कर रहे थे इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसके करंट टाइम पे प्राइस 18,000 है। पर कोई भी सेल यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 17,000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है जहाँ पे आपको सिर्फ 18,000 के अंदर सभी फीचर जितना कुछ दिया जा सकता है सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। तो आप अगर लेना चाहते हो तो आग बंद करके इस डिवाइस को ले सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है वीवो की तरफ से वीवो T2 5G अभी सेल चल रहा है और सेल पे यहाँ पे मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। तो जान लेते हैं क्या कुछ आपको फीचर इस डिवाइस में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा 6.38 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा विथ 90Hz रिफ्रेश रेट, आपको मिलेगा 1300 नीट पीक ब्राइटनेस। तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और यहाँ पे आप हाई क्वालिटी पे कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छा है। सब दोस्तों डिस्प्ले नहीं, इसके साथ साथ इसकी जो कैमरा है वो भी काफी शानदार है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे डुअल कैमरा सेटअप जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है विद OIS। हाँ दोस्तों OIS की सपोर्ट दिया गया है। उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों इस डिवाइस को आप कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के लिए भी खरीद सकते हो। जैसे कि पता है
वीवो के मोबाइल कैमरे के लिए जाने जाते हैं तो कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की तो ऐप आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट जो 6 nm पे बेस है। और दोस्तों ये प्रोसेसर काफी तगड़ी है प्राइस के हिसाब से। और दोस्तों बात करें बैटरी की तो ऐप आपको मिलने वाला 4500 mAh का बैटरी विद 44W फास्ट चार्जिंग जिसकी मदद से आपकी जो मोबाइल की चार्ज है वो 25 मिनट पे 50% हो जाएगा। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला एमोलेड डिस्प्ले तो इसके साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस नॉर्मल टाइम पे 17,000 रहता है, पर अभी सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट पे तो यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ दोस्तों आपके पास अगर है HDFC SBI की क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड तो आपको मिल जाएगा 2,000 रुपए का मैसिव डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 15,000 हो जाएगा। इस टाइम पे अंडर 15,000 पे इंडियन मार्केट पे ये मोबाइल वन ऑफ द बेस्ट है। तो आप अगर लेना चाहते हो 15,000 के अंदर एक 5G डिवाइस तो आंख बंद करके इसके साथ जरूर जा सकते हो, काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो दोस्तों ये डिवाइस है Realme की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme 11 5G जो एक काफी शानदार सा डिवाइस है। तो बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको बैक पे राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलेगा, प्लास्टिक बैक होगा, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम फ्रेम में मिल जाएगा। डिवाइस की वेट है 190 ग्राम जो काफी हल्का है। तो लुक एंड डिजाइन Realme 11 सीरीज की सभी डिवाइस की सेम ही रहता है, सिर्फ कलर में थोड़ी बहुत चेंजेस आता है। तो दोस्तों बात करें इस डिवाइस के डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नेट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है जहाँ पे आपको 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाले 20:9 रेशियो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की कैमरा की तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है जिसकी मदद से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है, इससे आप काफी अच्छी क्वालिटी का फोटो और वीडियो निकाल सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट। ये डिवाइस 5G के साथ आने वाले है। बात किया जाए रैम और रोम की तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा जहाँ पे बेस वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिलेगा, उसके साथ साथ 8GB रैम और 256GB रोम और एक दूसरे वेरिएंट पे मिलने वाला है। और दोस्तों मुझे सबसे अच्छी लगी इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 67W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 67W की चार्जिंग मिलने वाला है जिसकी मदद से आप 0-50% चार्ज सिर्फ 17 मिनट पे कर सकते हो जो काफी अच्छी बात है। वहीं पे इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। ये डिवाइस रन होने वाले Realme UI 4.0 और Android 13 पे। इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी काइंड टाइम पे प्राइस 17,000 है, पर यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसके प्राइस 15-16,000 के अंदर रहते हैं। तो इस प्राइस पर भी आप अगर पाते हो तो काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप इसे जरूर ले सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरे वेरिएंट की 8GB प्लस 256GB उसकी काइंड टाइम पे प्राइस 19,999 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi Note 13 5G। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको मिलने वाले रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप जहाँ पे बैक कंप्लीट की ग्लास की होने वाला है। इस डिवाइस की वेट ओनली 174 ग्राम है, ग्लास बॉडी के साथ भी काफी हल्का, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। वो मैं बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले जहाँ पे आपको 1 बिलियन कलर मिलेगा इस डिस्प्ले के। और डिस्प्ले को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाले 120Hz के रिफ्रेश रेट जो डिस्प्ले को काफी स्मूथ कर देगा। आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले 1000 नीट
पीक ब्राइटनेस, जो काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले को सेफ रखने के लिए यहाँ पे दिया गया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस के कैमरा की, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वह भी बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिसे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। इस डिवाइस के आपको 3 रैम रोम वेरियंट मिलेगा, जहाँ पे फर्स्ट 6GB 128GB, 8GB 256GB, 12GB 256GB। तो रैम रोम वेरियंट काफी ज्यादा मिलने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 33W फास्ट चार्जिंग। डिवाइस की सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको मिलने वाला है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल स्पीकर ही मिलेगा। ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 पे। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो गया इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, उसके करंट टाइम पे प्राइस 17,000 टू 18,000 के अंदर फ्लक्चुएट हो रहा है। उसके साथ साथ 8GB प्लस 256GB का जो प्राइस है वो 19,000 है, और 12GB और 256GB का प्राइस अभी करंट टाइम पे 21,000 के आसपास है। पर मैक्सिमम टाइम बेस वेरिएंट पे यहाँ पर 1,000 या पर 1,500 इसके आसपास डिस्काउंट मिल जा रहा है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 16,000 के आसपास आ रहा है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी वेरिएंट को चूज कर सकते हो। दोस्तों ये डिवाइस होने वाले लावा की तरफ से लावा अग्नि 2। इसी टाइम पे इंडियन मार्केट में सिर्फ यही एक डिवाइस है जो आपको 20,000 के अंदर मिल रहा है। बाकी सभी जितने सारे डिवाइस है वो 24,000 या फिर 25,000 बेस वेरिएंट का प्राइस है। तो 20,000 के अंदर सिर्फ यही डिवाइस है। तो दोस्तों फीचर में सबसे पहले आपको मिलने वाला है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड कर्व डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मिलेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले काफी अच्छा है। और दोस्तों रेजोल्यूशन की बात करें तो 2400x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें कैमरे की, तो रियर पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है। उसके साथ साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ कैमरा आपको मिल जाएगा। और वहीं पे मेन कैमरा से आप 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 16MP का सेल्फी कैमरा। परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 चिपसेट, जो 6nm पे बेस है, जिसके एंटूतु स्कोर 5 लीक से भी ज्यादा है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये डिवाइस काफी अच्छे होने वाले। उसके साथ जैसे कि ये एक 5G डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 13 5G बैंड, जो इंडिया की सभी टाइप की बैंड को सपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 16GB रैम मिलेगा, जहाँ पे 8GB प्लस 8GB वर्चुअल रैम होगा, और उसके साथ साथ 256GB का रोम मिलेगा। दोस्तों इस मोबाइल पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का बैटरी विथ 66W की फास्ट चार्जिंग की साथ, जो आपके मोबाइल के 50% चार्ज सिर्फ 16 मिनट पे कर देगा। और दोस्तों इस मोबाइल पे सबसे बढ़िया बात, आपको एकदम क्लीन ओएस मिलने वाला है, जहाँ पे आपको कोई भी ब्लूटूथ और एड्स देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों और फीचर की बात करें, तो बैक की जो डिजाइन वो आपको ग्लास का मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों इस मोबाइल की आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेगा, जो काफी प्यारा कलर है। दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस पहले ज्यादा था पर अभी घटा के इसकी प्राइस को 70,000 कर दिया है, और मैक्सिमम टाइम सेल पे 16,000 के अंदर आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस प्राइस पॉइंट पे एक कर्व डिस्प्ले और काफी अच्छे अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप अगर लेना चाहते हो इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो।
तो ये डिवाइस होने वाले पोको की तरफ से पोको X6 न्यू जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात कर लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम मिलने वाला है। डिवाइस की वेट 175 ग्राम है, काफी हल्का है और यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिलने वाला है। तो डिवाइस काफी हल्का है, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। बात करें डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले जहाँ पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर मिलेगा। वह पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। तो डिवाइस काफी स्मूथ होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 नीट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है। तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले काफी तगड़ी है, गेमिंग या फिर कॉन्टेंट कंज्यूम के लिए काफी अच्छा होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। और मैं बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6080 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है जिसकी AnTuTu स्कोर 450,000 के आसपास है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। रैम रोम की बात करें तो यहाँ पे आपको दो वेरियंट मिलने वाला है 8GB 128GB 12GB 256GB UFS 2.2 टाइप के। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000 mAh का बैटरी मिलने वाला है विथ 33W फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों ये तो गया इसके सभी मेन फीचर। अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाले 3.5mm जैक मिलेगा, NFC इस डिवाइस पे आपको नहीं मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में तो यहाँ पे आपको दो ब्रांड मिलेगा जहाँ पे बेस ब्रांड 8GB 128GB के जो प्राइस है वो 15,000 है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 14,000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट में काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। वह मैं बात करें 12GB 256GB का प्राइस के बारे में तो उसकी करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, सेम डिस्काउंट यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। तो इस प्राइस पॉइंट में काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस है मोटोरोला के मोस्ट पॉपुलर डिवाइस मोटोरोला G84 जो एक 5G डिवाइस है। प्राइस के हिसाब से काफी तगड़े फीचर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको बैक की जो लुक है वो सभी मोबाइल पे आपको सेम ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, कलर वेरिएंट काफी तगड़ी तगड़ी है। उसके साथ साथ बैक पे आपको प्लास्टिक और लेदर दोनों वेरिएंट ही मिल जाएगा। डिवाइस की वेट है ओनली 166.5 ग्राम। तो डिवाइस काफी हल्का है, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। उसके साथ साथ बात करें अदर फीचर की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले जहाँ पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर देखने को मिलेगा। डिवाइस की स्क्रीन काफी स्मूथ है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है 120Hz की रिफ्रेश रेट। और दोस्तों आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि इस डिवाइस पे आपको 1300 नीट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है। बात किया जाए इस डिवाइस के कैमरा की तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है विथ OIS। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको OIS की सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके साथ साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। वह पे बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है जिसे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी ठीक ठाक सा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और दोस्तों ये डिवाइस परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों एक 5G चिपसेट है, इसके AnTuTu स्कोर 4 लाख के आसपास है। तो इस डिवाइस पे आप गेमिंग भी कर सकते हो थोड़ी बहुत। बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा 8GB प्लस 256GB और 12GB प्लस 256GB। यहाँ पे आपको मिलने वाले 5000 mAh का लार्ज बैटरी विथ 30W फास्ट चार्जिंग।
सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर मिलने वाला है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाता है, जिसकी मदद से ये डिवाइस डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी है। डिवाइस पे आपको 3 कलर वेरियंट मिलेगा। पर्सनली मुझे जो रेड कलर है वो काफी यूनिक और काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये तो गया इसकी सभी फीचर। आप बात कर रहे थे इसकी प्राइस के बारे में, तो करंट टाइम पे इसकी जो 12GB प्लस 256GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइस 18,000 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1,000 या फिर 2,000 रुपए भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 16,000 to 17,000 के आसपास रहता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे मोटोरोला की ये डिवाइस काफी अच्छे और काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं, तो आप जरूर इस डिवाइस के साथ जा सकते हो।